दोस्तों आज मैं आपको तुगलकाबाद किले के संपूर्ण इतिहास, टिकट प्राइस, टाइमिंग्स, यहां पहुंचने का सबसे सस्ता साधन और इस किले को 15 साल के बाद क्यों छोड़ दिया गया, इन सब के बारे में अपनी इस वीडियो में जानकारी दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तेज प्रताप। थिंक एंड ट्रेवल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ की जो एंट्री फीस है, भारतीय पर्यटकों के लिए 20 रुपए प्रति व्यक्ति, विदेशी पर्यटकों के लिए 200 रुपए, जबकि 15 साल से कम के बच्चों के लिए कोई एंट्री फीस नहीं है। तुगलकाबाद किला पर्यटकों के घूमने के लिए प्रतिदिन सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। इस दौरान आप किसी भी समय यहां आ सकते हैं। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तुगलकाबाद किला घूमने आए तो कम से कम 2 से 3 घंटे का समय अवश्य निकाल कर आएं। किला दिल्ली में ओखला औद्योगिक क्षेत्र यानी ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास स्थित है, जो इस्लामिक वास्तुकला के सबसे खूबसूरत नमूनों में से एक है। यह किला दिल्ली के सबसे प्राचीन किलों में से एक है और वर्तमान में दिल्ली के प्रमुख पर्यटक स्थलों में शुमार है, जो बड़ी संख्या में पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तुगलकाबाद किले को बनाने में लगभग 4 साल लगे, लेकिन यह कभी भी पूरी तरह से आबाद नहीं हुआ और 15 साल बाद इस किले को छोड़ दिया गया। दोस्तों ये पूरा किला ग्रेनाइट से बना हुआ है, जो लगभग 6 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। किले का जो दक्षिणी हिस्सा है वो अभी भी खड़ा है और बाकी हिस्सा अब खंडर में परिवर्तित हो गया। ईस्वी में शासन करने वाले तुगलक वंश के पहले राजा गियासुद्दीन तुगलक ने किले के निर्माण के लिए तुगलकाबाद की पथरीली जगह को चुना, ताकि इसे मंगोल जैसे आक्रमणकारियों से आसानी से बचाया जा सके। तुगलकाबाद की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक ने की थी और 1321 से 1325 के मध्य 4 वर्षों के भीतर तुगलकाबाद के किले का निर्माण किया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, निर्माण के 15 वर्षों बाद ही इस किले को छोड़ दिया गया। इस किले और अभयारण्य के आसपास कई ऐतिहासिक स्थान हैं, जिसमें अनंगपुर बांध, सूरजकुंड जलाशय, पड़खल झील और दमदमा झील शामिल है। तुगलकाबाद किले से जुड़ा एक और रोमांचक तथ्य यह है, कहा जाता है कि एक सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने तुगलकाबाद को कष्ट दिया, मतलब शाप दिया कि वह उस किले का निर्माण कभी पूरा नहीं कर पाएगा, जो आज भी अधूरा माना जाता है। माना जाता है कि किले के प्रवेश द्वार पर जहाँ एंट्रेंस है, भव्य सीढ़ियों का निर्माण हाथियों के लिए किया गया था, जिससे हाथियों के साथ महल में प्रवेश किया जा सके। किले में एक मकबरा भी है। मकबरे में आपको 3 कमरे मिलेंगी, एक स्वयं सम्राट की और 2 अन्य, जो कि उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक और एक पत्नी की है।